कुशीनगर जनपद के फाजिलनगर ब्लॉक के विशनपुरा गांव निवासी हरि नारायण जी का ये आरोप है कि उनकी बेटी माधुरी देवी की हत्या इस कारणवश उनके ससुराल वाले कर दिए कि उनकी लगातार दो बेटियां थीं और दहेज की मांग ना पूरा करने की वजह से उनकी बेटी को विगत 1 अगस्त को उनकी हत्या कर दी गई। समस्या ये है कि हमारी एक लड़की का हमने शादी किया था लखनऊ में, सूर्या नगर मानक नगर में, 1/2/2017 में, और शादी के बाद सब ठीक ठाक रहा। अभी 1/2/2020 को, 1/8/2020 को ये लोग हमारी बच्ची का हत्या कर दी। हमने जो शादी किया था वो मानक नगर में राजेंद्र प्रसाद जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके लड़के से हमने किया था, और लड़का तो अरेस्ट हो चुका है, लेकिन न तो वो अरेस्ट हुए ना ही उनकी वाइफ हुई, क्योंकि ये मेन अभियुक्त हैं। और लड़की चूँकि हमारी बहुत स्ट्रांग है, ये मुमकिन नहीं है कि एक आदमी उसकी हत्या कर सके। हत्या से पहले 20 दिन पहले हमारे घर से गई थी और बहुत खुशीपूर्वक गई थी, हालांकि हमने उसको रोकने की कोशिश किया कि आप रुक जाओ, लेकिन वहाँ से ऑफर आया कि आप आ जाओ घर, तो अपने को रोक नहीं पाई कि हमें ससुराल में ही रहना है, तो मैं ससुराल की ही बात मानूंगी, आपकी बात नहीं मानूंगी, हमें ससुराल का उसका समस्या पहले देखना है बस। क्या कारण है उनको मारने का? कारण जहाँ तक हमें अनुमान है, अनुमान नहीं ये डिटो भी है, कि उसको पहली लड़की हुई फिर दूसरी लड़की हुई, इन लोगों की मानसिकता थी कि तीसरी भी लड़की ही होगी, इस मानसिकता को ध्यान में रखकर ये लोग हमारी लड़की को मार दिए, ताकि तीसरी भी लड़की अगर होगी तो हमारा पूरा परिवार यहाँ से गोरखपुर से क्रॉस कर गया था मिलने के लिए। जो दूसरे बार वो सूचना किए कि आने की जरूरत नहीं है, कोरोना हो गया है और वो हॉस्पिटलाइज है, ऐसी स्थिति में पूरा परिवार को फिर रिटर्न बैक करना पड़ा, और जब रिटर्न बैक हो गए उसके बाद से बताया कि एक्सपायर हो गई, फिर पुनः लगभग यहाँ से 12:30-1 बजे के आसपास हम प्राइवेट गाड़ी से अपना गाड़ी लेकर के वहाँ गया, और वहाँ जाने के बाद से चूँकि मैं उनके घर पर नहीं गया इसलिए कि मैं जानता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस दिन हमारी लड़की 3 बजे तक पूरे परिवार से बात की है, पूरे रिश्तेदार से बात की है, और हंसी खुशी थी, किसी प्रकार का कोई उसने शिकायत नहीं बताई। ये प्लान सुधा करके पूरा परिवार मिलकर ये इस घटना को अंजाम दिए हैं। मैं वहाँ गया तो क्योंकि थाने में गया, थाना से फिर फोर्स लिया, फोर्स ले जा करके वहाँ पंचनामा बनाने के बाद पोस्टमार्टम कराया, और पोस्टमार्टम में सारी रिपोर्ट सामने आ गई। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि मेन अभियुक्त, चूँकि लड़का का अकेले का हाथ है नहीं, उसकी माँ, उसके पिताजी, उस सबसे बड़ी बात उसकी बहन और उसका छोटा भाई, ये सारे लोग घूम रहे हैं, उनका अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अरेस्ट होंगे तभी पर्दाफाश हो सकता है हकीकत क्या है, ये क्या कारण है। वहाँ हम पुलिस में भी फ़ोन कर रहे हैं तो कोई सटीक जवाब नहीं मिला है, ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। इसके लिए हमने SSP महोदय को एप्लीकेशन दिया, DIG महिला महोदय को एप्लीकेशन दिया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही कोई अरेस्ट हो रहा है, जो बड़ा दुख की बात है कि इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी ये लोग घूम रहे हैं। यही बात है, हमारा लड़की के साल भर के बाद शादी भइले, साल भर के बाद दहेज के विषय में चरपहिया गाड़ी मांगत रहे ना, सब मांगल दिया ही चरपहिया गाड़ी खतरा है हमारे लड़की के जान मारती है। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन परिवार वालों को न्याय मिल सके। मैं माधुरी चौहान, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद से, इंडिया अनहट के लिए।